यानी उसकी वेदना को भी अनुभव करना। ये हम लोग हमारे यहाँ के लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके दिखाया है, इसलिए हमारे यहाँ का जो तत्व ज्ञान है ये केवल बुद्धि विलास नहीं है, ये अनुभूति से आया हुआ है। ये हम सबकी विशेषता है कि हमारा दूसरी बार किसी भी तत्व ज्ञान की सार्थकता तब है जब हम उसके आधार पर और एक जीवन खड़ा करते हैं। तो हमारे पुरखों ने कहा कैसा जीवन हम कहाँ खड़ा करें, तो उनको लगा कि भारतवर्ष एक आदर्श भूमि है। उसके बारे में कुछ लोगों ने बताया भी कि भारतवर्ष जैसी भूमि कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर काले भी हैं, गोरे भी हैं, ऊंचे भी हैं, ठिगने भी हैं, सांवले भी हैं, यहाँ पर लंबी नाक वाले हैं, चपटी नाक वाले हैं। अभी अपने वो बता रहे थे, अपने लद्दाख के अरुणाचल के बता रहे थे कि वहाँ से हम लोग आते हैं तो आकर के हम कहते हैं कि ये चाइनीज आ गया। लेकिन वो अपने यहाँ पर हैं, नेपाली भी अपने यहाँ पर, सभी लोग हैं, इस सब प्रकार के लोग हमारे यहाँ पर हैं। तो ऊंचे हैं, ठिगने हैं, नाटे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेपढ़े हैं, सब प्रकार के लोग हैं। और 6 ऋतुएं होती हैं दुनिया में, और किसी देश में 6 ऋतु नहीं होती, हमारे यहाँ होती है। इसलिए दुनिया में जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग इसके प्रकार हैं उसमें से आधे केवल भारतवर्ष के अंदर है। तो हमारे भारतवासियों ने सोचा कि अगर इनका हम और सबको एकता के सूत्र में गूंथ सके तो हम दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए भारत को उन्होंने, अब भारत को माने ने कहां से माना, तो जैसे यहां पर बताते समय आया था कि हमारे वेद पुराण शास्त्र सबके अंदर ये लिखा है कि हिमालय जो है ये मेरुदंड है, अपनी जो रीढ़ रहती है उसी रहने, उसके 1000 मील उत्तर, 2000 मील उत्तर और 1000 मील नीचे, ये पूरा का पूरा भारत है। अर्थात तिब्बत में जहां पर वो ब्रह्मपुत्र बहती है और उसके आगे भी पहले गंगा बहती थी, उस गंगा को हम यहाँ पर लेकर के आए, तो वहां से लेकर के समुद्र तक का सारा प्रदेश जो है और आसपास के सारे प्रदेश जिसमें श्रीलंका वगैरह सारी चीजें एकत्रित होती हैं, जिसको हम ब्रह्म देश कहते हैं, वो ब्रह्म देश भी खत्ता होता है, ये सारा का सारा क्षेत्र वास्तव में भारत है। यानी हिमालय पर्वत की शाखाओं प्रशाखाओं से जितना हिस्सा घिरा हुआ है वो सब भारत के अंदर है। और इसका वर्णन कालिदास ने भी किया हुआ है और कहा है कि हिमालय समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम भारत प्रशम प्रशक्षते, इस प्रकार का सारा वर्णन किया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह हमारा भारत, राज्य उसके अंदर अनेक रहे, राज्य अनेक रहे लेकिन, और आपस में युद्ध भी करते थे, लेकिन युद्ध करते थे कुछ नियम बना करके करते थे, क्योंकि जो क्षत्रिय थे उनको अपनी जो युद्ध कौशल्य उसको बनाए रखना था, इसलिए अनेक वर्षों तक युद्ध होते रहे, करते रहे, लेकिन उसमें नियम थे कि इस नियम के अनुसार करना है। लेकिन जिस समय और पहला जो विदेशी आक्रमण और हुआ बाहर से, तो उसमें ईसाइयों का, अपने मुसलमानों का आक्रमण हुआ 636 में लगा, लेकिन उनको प्रबल प्रतिकार करना पड़ा। 712 में पहली बार मुस्लिम सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई, उसको यहाँ पर आने के लिए 570 साल लगे, लेकिन उसके बाद 500 साल तक वो टिक नहीं सकी। उस समय भी संघर्ष चलते रहे, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं थी जहाँ संघर्ष नहीं था। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब कभी भी ये पतन का काल आता है उस समय सबसे पहले आध्यात्मिक पुनरुत्थान होता है, उसके बाद में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पुनरुत्थान होता है, क्योंकि किसी भी देश की जो जीवन है वो उत्थान और पतन के माध्यम से चलता है। हर उत्थान में पतन के बीज होते हैं, हर उत्थान में पतन के बीज और हर पतन में उत्थान की संभावनाएं, ये छिपी हुई रहती है। दुनिया में ऐसे कुछ देश हुए जो पैदा हुए, बढ़े, अपना विकास किया, दुनिया के विकास में अपना योगदान दिया, और जब उनका पतन हुआ तो दोबारा उठने की शक्ति नहीं थी। आज ग्रीस कहाँ है, आज बेबीलोनिया कहाँ है, पुराना मिस्र कहाँ है, कोई नहीं है, सब समाप्त हो गए। हम हैं आज कि अनेक बार उठे, अनेक बार आए, क्यों? आध्यात्मिक, इसलिए पहले आध्यात्मिक जागरण हुआ। हम पिछले 5000 साल का देखें तो महाभारत का युद्ध ये कलयुग शुरू होने के 36 साल पहले हुआ, और कलयुग इस समय 5111 चल रहा है,
तो 5136 साल पहले, 47 साल पहले और महाभारत का युद्ध हुआ, वो काल हमारे पतन का काल था। हमारे दोनों जो समाज के और नेतृत्व करने वाले थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, दोनों का पतन हो गया था। भीष्म पितामह के लड़के को दूध नहीं मिला, जाके धृतराष्ट्र की चाकरी कर ली, और भीष्म पितामह ने सोचा कि राजा की चाकरी करना है तो जो राजा कहे उसको मानना चाहिए, इसलिए द्रौपदी चीरहरण के प्रसंग के ऊपर मुंह बंद करके रखे। जब समाज में सम्माननीय कहने वाले लोग अन्याय होता हुआ देखकर भी मुंह बंद करके रहते हैं, तो उस समय पर गुंडों की, बदमाशों की बनाती है, और इसलिए दुशासन को इस प्रकार की हिम्मत हुई कि भरी सभा में उसको नग्न करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह धर्मग्लानी है, और इस धर्मग्लानी को अगर दूर करना है तो युद्ध करना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध कराया, और उस समय और अपने पांडवों के माध्यम से जो धर्म के प्रतीक थे पूरे सब लोगों को समाप्त किया। उसके बाद हम पुनः और हमारे लोग कृणवंतो विश्वार करके दुनिया भर में सब जगह पर फैले। आज दुनिया के सभी देशों में हमारे पुरखों के पदचिन्ह विद्यमान हैं, अभी भी हैं, और उसकी पुस्तक भी लिखी जा रही है। यानी जिसको हम अमेरिका कहते हैं, उस अमेरिका के अंदर भी जो इंडियन रिजर्व्स हैं, उन सारे इंडियन रिजर्व्स के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हमारे पुरखे भारत में आए थे। मैं गया था एक होपी नाम की जनजाति है जो यज्ञ करती है, वहां मैं गया। तो वहां पर एक महिला इसी प्रकार से, और जैसे बाजार में हमारे यहाँ पर बेचते हैं, वो कुछ चीजें बेच रही थी। मैं धोती पहन के गया तो मुझसे पूछा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम। मैंने कहा इंडिया। इंडिया, अवर फोर फादर्स ऑल्सो केम फ्रॉम इंडिया। उनको याद है। तो इस प्रकार से ये हम सब जगह फैले, लेकिन एक 1200 साल का हिसाब होता है। उस 1200 साल में फिर हमारा पतन हो गया। तब उसके बाद में गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध का आज का जो समय बताया जाता वो गलत है। उसके बारे में बहुत अनुसंधान भारतीय इतिहास संकलन समिति ने किया, उसकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, और भी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध हुए, फिर 1200 साल तक चले, उसके बाद फिर पतन आया। तब शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ये ईसा पूर्व 487 साल से 480 साल के पहले। तो उसके बाद उन्होंने फिर से और वेदांत के आधार के ऊपर जगह जगह शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके लोगों को फिर से जगाया, और जगा करके फिर दोबारा और नवी शताब्दी में फिर हमारे अंदर पतन हुआ। हमने कहा समुद्र यात्रा निषिद्ध है, तो हमारे लोग गए कैसे दुनिया भर में, लेकिन समुद्र का उसका परिणाम क्या हुआ, उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मलाबार में, केरल में, वहां राजा थे, उनका नाम था सामुद्रीन। उनके समय में अरब देशों के व्यापारी व्यापार करने आते थे, यहां से मसाले वगैरह ले जा करके अरब देशों में ले जाना, और वहां से और उसको बाइजेंटाइन एम्पायर में पहुंचाना, यूरोप में पहुंचाना, ये उनका काम था। तो उस समय पर वो, तो उनके मन में आया कि वहां से तो लोग आते, हमारे लोग क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने कहा हम कैसे जा सकते हैं, क्यों, समुद्र यात्रा निषिद्ध है, क्या होगा तो हमारा धर्म चला जाएगा। तो बोले मुसलमानों को नहीं जाता उनका तो धर्म मजबूत है, हमारा फिलफिला है हमने। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसी अगर बात है तो मैं आदेश देता हूं कि हर घर से एक व्यक्ति को मुसलमान बनाया जाए। तो हर घर से एक व्यक्ति को मुसलमान बनाया। उन्होंने कहा अब जाओ, अब व्यापार करो। तो उन्होंने कहा कि आपने हमको तो मुसलमान बना लिया, हमको लड़की कौन देगा। तो दूसरा आदेश निकाला कि अपनी अपनी लड़की देख करके इनको अपना दामाद बनाओ, और दामाद के लिए मलयालम में शब्द है मापिल्ला, उस मापिल्ला में से मोपला बन गया, और अपनी ही तरफ से हमने लोगों को अलग कर दिया। ऐसी कई गलतियां हमने इस समय कश्मीर में ऐसी गलती हुई है। खैर,